हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सिक्स सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि राशन कार्ड के न्यू लिस्ट में कैसे देखें, राशन कार्ड के न्यू लिस्ट में अपना नाम आया है कि नहीं आया है। अपने मोबाइल से ही देख सकते हैं आपका नाम आया है कि नहीं आया है। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊँगा, इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, मैं आपको स्टेप बाई स्टेप दिखाने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। तो चलिए मैं अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको कुछ सर्च करना है। यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है और सर्च करना है राशन कार्ड, और यहाँ पर देख सकते हैं मैं अपना सर्च कर रहा हूँ RATION, और उसके बाद CARD। यहाँ पर देख सकते हैं राशन कार्ड, यहाँ पर राशन कार्ड लिख कर सर्च कर देना है। चलिए मैं सर्च करता हूँ। यहाँ पर सर्च करने के बाद आपको ऊपर ही शो हो जाएगा राशन कार्ड NFSA UP गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं आपको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, और आप जिस ज़िले में रहते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर ज़िले का नाम, यहाँ पर देख सकते हैं ज़िले का नाम, जिस ज़िले में आप रहते हैं, जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं, वो अपना ज़िला सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं कुशीनगर में रहता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं अपना कुशीनगर सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए मैं सेलेक्ट करता हूँ कुशीनगर। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अगला पेज ओपन होगा, और यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर टाउन दे रहा है और यहाँ पर ब्लॉक दे रहा है। तो आप टाउन में रहते हैं तो यहाँ पर टाउन सेलेक्ट कीजिएगा टाउन से, और यहाँ पर ब्लॉक रहते हैं, ब्लॉक में रहते हैं तो अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं कप्तानगंज में रहता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं कप्तानगंज चौथे स्थान पर है, तो मैं अपना कप्तानगंज सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ग्राम पंचायत, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत, जिस ग्राम में आप रहते हैं वो अपना ग्राम सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं अपना ग्राम सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं अपना ग्राम सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ग्राम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप दुकानदार का नाम, यहाँ पर देख सकते हैं दुकानदार का नाम, यहाँ पर आप शुरू में दुकानदार का नाम, और उसके बाद पात्र गृहस्थी, यहाँ पर अंत्योदय, यहाँ पर आप देख सकते हैं पात्र गृहस्थी में अपडेट हुआ है 421 और अंत्योदय में हुआ है 54। तो आप अपना देख सकते हैं, यहीं से आप अंत्योदय में आप भी देख सकते हैं और पात्र गृहस्थी में देख सकते हैं। चलिए मैं पात्र गृहस्थी सेलेक्ट करता हूँ और ढूंढता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट ओपन हो चुका है, और इसमें आप देख सकते हैं अपना राशन कार्ड का नाम नंबर डालिए और देखिए, और आप अपना देख सकते हैं कि आपका नाम आया है कि नहीं आया है इस न्यू लिस्ट में। तो फ्रेंड, ये रहा आज का वीडियो। आप यहाँ से लाइव प्रूफ में दिखा दिया, आप अपना नाम यहाँ से ढूंढ सकते हैं। कैसे आप ढूंढेंगे, यहाँ पर क्या नाम है आपका, अपना नाम ढूंढ लीजिएगा। तो ये रहा आज का वीडियो, ऐसा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।